उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था, तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज़ के नाम पे हम रोज यही पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है, और हम रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। यार देखो, मेरठ से निकलने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे, क्यों पता नहीं। ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं हुआ था यार, वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी मीठी मीठी बोल के। भाई पी के देख मीठी मीठी लगेगी, मैं कहता हूँ पी के देखी, मुझे लगी भी, मैंने कहा सही है। जितने लोग स्मोक करते हैं उन्हें पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है, जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ आप। हाँ, ऐसे गूगल मत करने लग जाना, आता है वो, पता नहीं उसका हाथ कोई बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या उसके साथ। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। मैंने कल सब्जी मंडी गया ऑटो से। मैंने कहा भैया सब्जी मंडी चलोगे? हाँ भैया बिल्कुल चलेंगे, 2 किलो प्याज मुझे भी लेनी है। ऑटो वाला 2 किलो प्याज ले रहा है, मैं खुद 1 किलो ले रहा हूँ यार। मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया, मैंने सारी सेविंग्स लगा दी, 4 किलो प्याज ले आया, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई यार। मैं ना कभी नहीं चाहता मैं भाई के नाम से जाना जाऊं। सोचो शो के बाद तुम में से किसी के साथ मेकआउट कर रहा हूं और तुम बोलो यू आर सच अ गुड किसर भाई। जो कि मैं हूं लेकिन सिर्फ अपनी बहनों के लिए। क्या हो गया भाई?